जहां दीपिका, करीना और बिपाशा अपने लवर्स को शो ऑफ करती हैं लाइक अ ब्रांडेड एक्सेसरी, वहीं कुछ हीरोइंस हैं जो अभी भी समझती हैं सिंगल इमेज को नेसेसरी। लगता है प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ एंड रानी मुखर्जी अभी तक वो सोच रखती हैं कि बॉलीवुड में हीरोइंस के लिए सिंगल इमेज रखना जरूरी है। जब देखो तो गुड फ्रेंड्स का फंडा अपनाती हैं टू किल एनी लिंक अप स्टोरी और यही जताती रहती हैं कि वो है सिंगल और नहीं बनी है उनकी किसी के साथ भी जोड़ी। बट इंटरेस्टिंगली इनके लाख इनकार के बावजूद ये वो एक्ट्रेसेस हैं जिनकी लव लाइफ के रूमर्स सबसे ज्यादा सुनने को मिलते हैं। अब इनकी ये बात तो कंफ्यूज कर देती है, आखिर क्यों ये अपना सिंगल स्टेटस रखना चाहती हैं बरकरार, कब करेंगी अपने प्यार का इकरार। कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा और रानी मुखर्जी अपनी सिंगल स्टेटस को भला मेंटेन रखने के लिए इतनी परेशान क्यों रहती हैं? जब देखो तो वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स की रट लगाती रहती हैं। कैटरीना कैफ और सलमान खान के रिलेशनशिप के चर्चे तो हर तरफ होते रहते हैं। अब र्यूमर है या सच, मगर कहा तो ये भी जाता है कि सलमान इस बात का फैसला भी करते हैं कि कैटरीना को किसके साथ काम नहीं करना, और कैटरीना भी नहीं टालती है सलमान का कहना। पर कैटरीना कभी भी सलमान के साथ अपने रिलेशनशिप की बात को एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन आखिर क्यों सिर्फ कैटरीना ही चलती है रैंप पर सलमान के ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, या फिर क्यों सलमान ही रखते हैं कैट के लिए बर्थडे पार्टी? सिमिलर स्टोरी विद प्रियंका चोपड़ा, चाहे हो हरमन बावेजा या फिर शाहिद कपूर, गुड फ्रेंड्स का जाप तो वो ऐसे करती हैं जैसे वो हो कोई मंत्रा। अक्सर वो पब्लिक प्लेसेस में स्पॉट की जाती हैं विद हर अलेजेड बॉयफ्रेंड, कभी लेट नाइट बाइक राइड्स तो कभी रेस्टोरेंट में डिनर विद शाहिद कपूर। बट प्रियंका तो फिर भी कहती हैं आई एम सिंगल। अब जब रानी मुखर्जी पहले आदित्य चोपड़ा से अपने रिश्ते की बात को डिनाई करती थी तो समझ में आता था बिकॉज ही वॉज अ मैरिड मैन, पर अब तो आदित्य चोपड़ा है डिवोर्स्ड एंड सिंगल, फिर भी रानी करती है उनसे छुप छुप के मिंगल। तो क्यों दीज थ्री हॉट गर्ल्स वॉन्ट टू ऑलवेज बी सपोजिटली सिंगल? वेल, थ्री रीजंस गाइज, मे बी दे आर अनश्योर। शायद उनके मन में इन रिलेशनशिप के बारे में कोई डाउट है, शायद उन्हें लगता है दैट दिस इज नॉट देयर मिस्टर राइट, या फिर उन्हें लगता है कि बीइंग सिंगल विल कीप देयर फ्यूचर ब्राइट, या फिर हो सकता है एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रीजन, मे बी दे जस्ट वॉन्ट टू कीप देयर लव लाइफ प्राइवेट। अंजलि सिंह, जूम, मुंबई।